नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की उन भूमि के साथ जो आपको कभी बोर नहीं कर सकती। भारत के सबसे खूबसूरत शहर आपके जीवन के कुछ सबसे अच्छे समय की गारंटी लेते हैं। इन शहरों के आकर्षण के माध्यम से देश की कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जयपुर। लोकप्रिय रूप से जयपुर सिटी द पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। जयपुर के कुछ शानदार इमारतें हैं जिन्हें 1876 में गुलाबी रंग में रंगा गया था, जिसे शहर को प्रिंस ऑफ वॉल्स और रानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए किया गया था। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर दिल्ली और आगरा के साथ जयपुर फेमस गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। यह ट्रायंगल हजारों इंडियन और नॉन इंडियन टूरिस्ट को अपने आकर्षण का आनंद लेने और एक शानदार विश्राम प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। वैसे तो जयपुर में बहुत से विजिटिंग प्लेस हैं, लेकिन आप इन्हें ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जयपुर कितना खूबसूरत शहर है, जिसमें है द सिटी पैलेस, अंबर फोर्ट, हवा महल, जल महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम और जयगढ़ फोर्ट। नंबर दो, उदयपुर। राजस्थान का एक और शानदार शहर उदयपुर भारत का एक अद्भुत शहर है। अपनी मनोरम झीलों, मंदिरों, किलों और महलों के लिए बेहद प्रसिद्ध इस शहर की यात्रा करने के लिए हम इसे मिस नहीं कर सकते। ये सिटी देश में प्रेमियों के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। उदयपुर में कई रोमांटिक स्पॉट्स और आकर्षण बगीचे हैं, हर किसी के लिए एक संपूर्ण आनंद। यह शहर कई लोकप्रिय फिल्म जैसे जेम्स बॉन्ड टाइटल ऑक्टोपसी के लिए सबसे अधिक चुना गया है। अपने परिदृश्य से बहुत जीवंत, रंगीन कपड़े पहने हुए स्थानीय लोग उदयपुर की सुंदरता का उदाहरण देते हैं। पूरे साल भर चलने वाले मेलों और त्योहारों शहर के रंग में रंग जाते हैं। यहाँ के विजिटिंग प्लेस हैं द सिटी पैलेस, लेक पिचोला, जग मंदिर, शैलियों की बारी, कुंभलगढ़ फोर्ट। 3, वाराणसी। भारत में स्पिरिचुअलिटी चाहने वालों के लिए सबसे सुंदर शहर वाराणसी है। भारत में सबसे सुंदर और ऐतिहासिक शहरों में से एक के रूप में इसकी पहली बस्तियाँ 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में से एक वाराणसी दोनों और जैन और हिंदुओं के लिए एक बहुत सम्मानित जगह है। कई साधुओं, पुजारियों, तीर्थयात्रियों, परिवारों, विक्रेताओं और उद्यमियों को आवास देते हुए इस शहर की आबादी उनके व्यवसाय में भिन्न है, लेकिन यहाँ के वासी भगवान की पूजा के लिए धारण में एकजुट हैं। इस शहर से होकर बहने वाली नदियाँ बहुत दिव्य मानी जाती हैं और हजारों भक्त इस शहर को अपने पापों और शरीर की मास्तिकता को साफ करने के लिए आते हैं। शानदार मंदिरों और पृष्ठभूमि वाराणसी की वाइब को जोड़ता है। यहाँ के विजिटिंग प्लेसेस हैं अस्सी घाट, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, मनारिका घाट, दशमेध घाट, दुर्गा टेम्पल। नंबर 4, बेंगलोर। हाल के सर्वेक्षणों में से एक के अनुसार बेंगलोर को भारत का सबसे लाइवेबल सिटी के रूप में घोषित किया गया है। पहले सिटी द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और द पेंशनर्स पैराडाइज के रूप में जाना जाता था। विशाल हरे भरे स्थान इस शहर का प्रमुख आकर्षण थे। वर्षों के बीतने के साथ बेंगलोर के तेजी से विकास ने ग्रीन एरिया को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, लेकिन यह भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। हरे भरे जंगल अभी भी इस शहर के बाहरी इलाके में पाए जा सकते हैं। अब द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर आईटी इंडस्ट्री का एक प्रमुख केंद्र है। जब आप शहर में हैं तो नाइट लाइफ और वर्ल्ड क्यूजिन्स का आनंद ले सकते हो। यहाँ के कुछ विजिटिंग प्लेसेस हैं लालबाग बॉटनिकल गार्डन, क्यूबॉन पार्क, बेंगलोर पैलेस, विधानसौधा और श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। नंबर 5, चंडीगढ़। भारत के पहले प्लानिंग सिटी के रूप में चंडीगढ़ देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत अलग है। दिलचस्प बात यह है कि यह पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, लेकिन यह दोनों राज्यों में से किसी एक में नहीं है। इसके बजाय यह केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस शहर के सबसे आश्चर्यजनक पहलू हैं शिवालिक पहाड़ियों की लुभानी पृष्ठभूमि और देवी चंडी के समर्पित एक पुराना मंदिर। भारत के शीर्ष 10 सुंदर शहरों में से एक होने के साथ साथ चंडीगढ़ पूरे देश के सबसे कम अपराध दर के साथ एक बहुत ही सुरक्षित शहर भी है। यह एक भूमि जो अब सुबह के सपने की तरह महसूस होती है। यह शहर उन लोगों के लिए आदर्श है जो बोरिंग रूटीन से आराम और शॉर्ट आराम करना चाहते हैं। यहाँ के कुछ विजिटिंग प्लेस हैं रोज़ गार्डन, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, द कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम और चाट बिरजू जारिकपुर। मैसूर, कर्नाटक का एक और शानदार शहर मैसूर देश के सबसे वेल प्लान्ड क्षेत्रों में से एक है। यदि आप सोच रहे हैं कि भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो मैसूर वह जगह है जहां आप जाना चाहेंगे। देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर यह कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी है, जिस स्थान पर अष्टांग योग की उत्पत्ति हुई। यह शहर अपने कई योगा केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। गोकुल उपनगर सर्वश्रेष्ठ योगा स्कूल की खोजने के लिए सही जगह है। देश में ग्रेट रेपुटेशन वाले स्कूलों का घर भी है। प्रसिद्ध एस के पट्टा भी जोश का अष्टांग योग रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ स्थित है, कई पर्यटकों के आकर्षण के साथ जो हजारों यात्रियों को आकर्षित करता है। मैसूर घूमने के लिए एक शानदार जगह है।
यह शानदार एक शॉपिंग सेंटर यह मैसूर सिल्क साड़ियाँ, मैसूर चंदन की कलाकृतियाँ और हस्तशिल्प से लेकर अगरबत्ती और पारंपरिक मैसूर चित्रों तक गंजिफा पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुछ विजिटिंग प्लेस हैं जगमोहन पैलेस, मैसूर पैलेस, स्नो सिटी मैसूर, संत फेलोमोना चर्च और श्री गायत्री देवी टेम्पल। अगर आप भारत में कहीं अच्छी जगह घूमना चाहते हैं तो आपको दार्जिलिंग अवश्य जाना चाहिए, जो कि एक बहुत खूबसूरत शहर है। विस्तार और हरे भरे चाय बागानों के बीच टकी है शहर एक खिड़की पहाड़ी रीज में फैला हुआ है। सबसे रोमांटिक हनीमून के लिए एकदम परफेक्ट गेटवे है। यह क्षेत्र निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध छोड़ देता है, जहां आपको इंस्पायरिंग सनराइज, प्रिस्टाइन ब्यूटी ऑफ हिल्स, शानदार परिदृश्य और एक पुरानी दुनिया का आकर्षण और स्थानीय लोगों को शानदार मुस्कान दार्जिलिंग को भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनाती है। जहाँ गर्मी की तपिश में एक शानदार एस्केप, यह शहर एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है। द क्वीन ऑफ हिमालय नाम से मशहूर इस शहर में 86 से अधिक चाय बागान हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। दार्जिलिंग चाय का उत्पादन करते हैं। दार्जिलिंग की सुंदरता मनोरम सेटिंग में प्रकृति के साथ सामान्य स्थापित करता है। यहाँ के कुछ विजिटिंग प्लेस हैं दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, टाइगर हिल, टाइगर हिल सनराइज ऑब्जर्वेशन, पदमजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क और देशबंधु म्यूजियम। लॉन्ग 1496 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी है। भारत में सबसे सुंदर शहरों की सूची में एक प्रमुख स्थान है। यह मुख्य भूमि की गर्मी में एक बड़ी राहत प्रदान करता है। यहाँ स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में साल भर में एक सुखद जलवायु होती है। कई आश्चर्यजनक झरनों के लिए घर है। इसमें शानदार पर्वत पीक्स, गोल्फ कोर्स, क्लियर ब्लू लेक्स और समृद्ध म्यूजियम है। इस शहर को मेघालय का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अपने हंसमुख लोगों और अपनी प्रामाणिक संस्कृति के लिए बेहद प्रसिद्ध है। शिलोंग की भारत को म्यूजिक कैपिटल भी माना जाता है। कई संगीत कार्यक्रम नियमित रूप से होते हैं और परिणाम स्वरूप यह शहर वर्षों से कई प्रसिद्ध संगीतकारों का उत्पादन कर रहा है। आप अपने जीवन के सबसे अच्छे क्षणों के लिए कुछ पल शिलोंग की यात्रा करके भी गुजार सकते हैं। जहाँ के कुछ विजिटिंग प्लेस हैं उमामी लेक, एलिफेंट फॉल्स, लेडी हेडरी पार्क, एयरफोर्स म्यूजियम और स्प्रेड ईगल फॉल्स। मुंबई। समुद्र के किनारे स्थित मुंबई भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यह भारत का सबसे आधुनिक महानगरीय शहर है। पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। यह भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। देश के वित्तीय केंद्र के अलावा इस शहर में अन्वेषकों के अनगिनत अवसर हैं। मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना, यह 1911 में एक शाही यात्रा के चिन्हित करने के लिए बनाया गया था और यहाँ तक कि आज भी यह मैजेस्टिक एयर के साथ खड़ा हुआ है। अपने नाइट लाइफ के अत्यधिक सक्रिय है। यह सभी पार्टियों के लिए सबसे अच्छी जगह है। भोजन के लिए एक बढ़िया गंतव्य, जो स्ट्रीट फूड से लेकर फैंसी कैफे और महंगे रेस्टोरेंट तक सभी का आनंद लेता है। खरीदारी के लिए एक एक्सलेंट स्थान भी है। भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक के रूप में है। शहर किसी भी एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस का वादा करता है। यहाँ के कुछ विजिटिंग प्लेसेस हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर और नेहरू साइंस सेंटर। देश के एक प्रभावशाली सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। हर यात्री के लिए कुछ रोमांचक होने के साथ यह शहर भारत के कुछ बेहतरीन कला और सांस्कृतिक कार्य को एक सामने लाने की प्रतिष्ठा रखता है। रिमार्केबल पोइट्स, राइटर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स, डांसर और नोबेल पुरस्कार विजेताओं की एक बड़ी संख्या के लिए घर भी है। निसंदेह भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। बंगालिया मिठाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं जो आपको हर समय वहाँ समय रहते जरूर आजमानी चाहिए। उनके स्वाद और स्थिरता के समृद्ध और पतनशील में यह व्यवहार आपके अधिक मांगने के लिए छोड़ना निश्चित करता है। एक प्रमुख शॉपिंग हब, यह शहर हमेशा उत्साहित और एनर्जिक है। सचमुच देश का एक रतन कोलकाता एक शानदार जगह है। यहाँ के कुछ विजिटिंग प्लेस हैं विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूजियम, ब्लूर मैथ, राइटर्स बिल्डिंग और दक्षेश्वर काली टेम्पल। श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा शहर और समर कैपिटल भी है। यह भारत के शीर्ष हिल स्टेशनों में से एक है। यह भारतीय के साथ साथ विदेशियों के बीच भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे धरती पर स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। श्रीनगर में कुछ शानदार झीलें हैं जो इस जगह को इतना सुंदर बनाती हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, जिसका नाम बलूर झील है, जो श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में मुगल प्रभावों वाले कई उद्यान भी हैं, जिसके कारण श्रीनगर को लैंड ऑफ गार्डन भी कहा जाता है। शिकारास के रूप में जाने जाने वाली लकड़ी की नावों में आपको श्रीनगर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ के कुछ विजिटिंग प्लेस हैं डल लेक, मुगल गार्डन्स, परी महल, हरिप्रभात और शंकराचार्य टेम्पल। पांडिचेरी। इसे आधारिक रूप से पांडुचेरी के रूप में जाना जाता है। पांडुचेरी कभी फ्रेंच कॉलोनी था। यह अभी भी इसे फ्रांसीसी शैली बनाए रखता है। यहाँ कंकड़ भरे समुद्र तट की ओर से कैफे, स्वच्छ सड़कें,
फ्रेंच स्टाइल के घरों से लेकर ऐतिहासिक स्थलों और विरासत तक सब कुछ प्रदान करता है। यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। यदि आप एक फ्रेंच प्रभावी के साथ समुद्र तट डेस्टिनेशन की तलाश में है तो पौंडीचेरी एकदम सही विकल्प है। यह भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जहाँ के कुछ विजिटिंग प्लेस हैं द स्केट हट, बायशलिका, इमेकुलेट कॉन्शियस कैथेड्रल, श्री कामाक्षी अमान टेम्पल, पंचवटी अजनारा टेम्पल और यूरो बीच। दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग प्लेस। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।